जिला महिला अस्पताल रायबरेली, महिला चिकित्सक पर लगा गंभीर आरोप, परिजनों ने लगाए आरोप। सीएमएस डॉक्टर रेणु चौधरी पर लापरवाही करने पर इलाज करने से महिला की गई जान, ऐसे आरोप लगे हैं। सौरव सिंह पुत्र कीर्तन सिंह निवासी हुलपुर थाना हरचंदपुर रायबरेली ने आरोप लगाते हुए बताया है कि अपनी भाभी पारुल सिंह पत्नी जगदम्बा सिंह को वह 11 जनवरी को जिला महिला अस्पताल रायबरेली में सुबह 7 बजे भर्ती उसने वहां पर कराया था, जो डॉक्टर रेणु चौधरी द्वारा ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ। सांस सरोज सिंह देवर सौरव सिंह पति जगदम्बा सिंह ने बताया कि ऑपरेशन के बाद स्क्रीन ब्लीडर नहीं बंद किया गया, जिससे पारुल सिंह की हालत बिगड़ती गई। हालत ज्यादा गंभीर होने पर 14 जनवरी को क्वीन मेरी हॉस्पिटल लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां फिर से ऑपरेशन किया गया, लेकिन 22 जनवरी रात्रि 9 बजे उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने सीएमएस रेणु चौधरी पर ऑपरेशन करने के लिए 10,000 रुपए लिए, पैसे लेने के बाद भी सही ऑपरेशन नहीं किया। परिजनों ने कहा कि यदि रेणु चौधरी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, यानी कि कोई उनके ऊपर जो वैधानिक कार्रवाई है वो नहीं हुई, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो चीफ वैभव सोनकर की रिपोर्ट। जब जांच पड़ताल किया हॉस्पिटल में, फिर आपके यहाँ घर गांव पहुँचे, गांव पहुँच करके सर अपना नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम जगदम्बा सिंह, ये दूर सूरन निवासी है। हमारे वाइफ की डिलीवरी थी। वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या था, भर्ती कराया था, कैसे क्या हुआ? हम 11 तारीख को दर्द हुआ, तो पहले हम CHC हरचंद में गए। CHC हरचंदपुर से हमारा रेफर हुआ, तो गए हम जिला जुटा। वहाँ डॉक्टर अमित चौधरी ने देखा तो उन्होंने कहा कि आपका जो है मतलब पानी थोड़ा कम है, तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, ऑपरेशन कर दीजिए। तो ऑपरेशन किया तो वो स्किन ब्लीडर जो होता है, ऑपरेशन ये तो जल्दबाजी में ऑपरेशन किया, 3-4-5 मिनट ऑपरेशन करके बाहर कर दिया। तो बहुत ज़्यादा 5 मिनट लगा, तो ऑपरेशन करके बाहर दिया। स्किन तो पता लगा स्किन ब्लीडर अपना भूल गई थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कुछ। 4-5 दिन चलता रहा, तो हम लोग जाते उनके पास, मैडम के पास जाते, नर्स पास जाते, कहते कि उनका दर्द हो रहा, गर्मी ठंडी और दर्द हो रहा था, तो कहे कि प्रेगनेंसी है, दर्द होगा, और हर 6 घंटे अपना इंजेक्शन लगा देती थी तो दर्द ख़त्म हो जाता। तो हम लोग भी समझे कि हाँ दिक्कत नहीं है। जब इस तरह चलता रहा तब दूसरे दिन ही ब्लड की कमी हुई, ब्लड का ब्लड कम हो गया है। तो हमने कहा कि 11.6 मिनट था तो कम कर चलिए, चलो ठीक कम हुआ, तो हमने अपना खून दिया और ब्लड चढ़वा दिया। इसी तरह 2 यूनिट और चढ़वाया, 2 यूनिट ब्लड और चढ़वाने के बाद जब देखा हमने 5.7 तो ये कैसे हुआ? और धीरे धीरे सांस दिक्कत होने लगी उनकी कि वहाँ की, तो उनको मैडम से पूछा, मैडम से बुलाया तो जब वो राउंड में चौथे राउंड में ही 2 दिन से उनको बताया जा, मैंने नर्सों को फ़ोन कराया तो आई नहीं। जब चौथे दिन आई तो उन्होंने जब अपना समझा होगा क्या होगा कि रिफ़र कर दिया, और रिफ़र किया तो वहाँ ले गए, तो वहाँ पे क्यून मैरी के लिए रेफर कर दिया। जब यहाँ हालत सीरियस हुई तो वहाँ क्यून मैरी के लिए रेफर कर दिया। चौथे दिन तो रिफ़र किया तो वहाँ गए, तो वहाँ पे जब उन्होंने आप देखा तो ऑपरेट किए, जाँच हुआ तो ऑपरेट किया, तो दूसरे दिन उन्होंने बताया कि कुछ जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी ऑपरेशन किया और उसका स्किन ब्लीडर छोड़ दिया, तो जिससे खून का 1.5 लीटर खून का थक्का बन गया। 4 दिन का खून था, 1.5 लीटर खून थक्का उन्होंने निकाला। उसके बाद उन्होंने निकाल कहा कि बहुत बहुत गलत तरीके से आपका ऑपरेशन हुआ, जिस डॉक्टर ने भी किया लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। तो वहाँ से हमको फिर ऑपरेट करके सीधा ट्रामा सेंटर किया गया। ट्रामा सेंटर में 15 तारीख को किया, और 15 तारीख को थोड़ा हालत सुधरते उधरते 22 तारीख को शादी जिला फेफड़ों में संक्रमण हो गया, उसी वजह से खून थक्का वजह से डेथ हो गई, 22 तारीख को डेथ हो गई। ऑपरेशन के दौरान की कुछ भूल गई थी कि स्किन ब्लीडर को भूल गई थी, लापरवाही में बंद ही नहीं किया जाए, जो कहा बहुत 5 मिनट उनका ऑपरेशन किया तो कैसा होगा सभी जानते हैं, 5 मिनट नहीं लगा उनको, इतनी जल्दबाजी में किया। वो जो खून बाहर निकले थे वो अंदर उनके अंदर ही वही इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई।
उन्होंने बंद ही नहीं किया। क्या नाम है आपका? सरोज सिंह जी। सरोज सिंह, क्या हुआ है? हमारी बहू को मतलब जो है डिलीवरी हुई उसके मतलब खून वाला नस जो है बंद नहीं किया है और उसकी वजह से उसकी जान चली गई। 11 दिन की हमारी पोती को न्याय दें और डॉक्टर रेणु चौधरी को उनके डॉक्टर पद से हटा जाए ताकि किसी दूसरे के साथ ऐसा गलत ना करे। आपका नाम क्या है? तेज बोलिए माँ। इंदर सिंह। पता क्या है? अच्छा, मामला क्या है? अब मामला हम तो वहाँ थे नहीं, हम जहाँ हम बता रहे हैं। अच्छा, रिश्तेदार लाके आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो डेथ हो गई डॉक्टरों की लापरवाही से। थैंक यू। सौरभ सिंह नाम टूटे पोस्ट कटवाला। क्या हुआ है? ये महिला हॉस्पिटल में हमारी भाभी का ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन किया वो हम स्किन ब्लीडर बंद करना बंद ही नहीं किया उन्होंने, उसकी वजह से सम स्किन वो इन्फेक्शन फैल गया पेट में, जिससे उनका फेफड़ा भी ख़राब हो गया और जब पूरा तक ख़राब हो गया तो उन्होंने यहाँ से रिफर किया, जिससे उनकी डेथ 22 तारीख हो गई। तो अब क्या चाहते हैं? ये 11 दिन की बिटिया जो है उसके लिए हम न्याय चाहते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि रेणु चौधरी को उनके पद से हटाया जाए। अगर कोई शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही तो हम इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन भी करेंगे। मतलब आपका ये भी कहना है कि अगर आपका ये सुनवाई नहीं हुई शासन प्रशासन के द्वारा तो आप इसमें क्या आगे क्या करेंगे? बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, एसपी ऑफिस का घेराव भी करेंगे। हमने हमारी वाइफ को 11 तारीख को पेन हुआ तो हम हरचंदपुर CSC ले गए तो वहाँ से हमको रिफर कर दिया गया यहाँ पे जिला चिकित्सालय वहाँ ले गए। महिला चिकित्सालय कहाँ? रायबरेली महिला चिकित्सालय ले गए तो वहाँ पे रेणु चौधरी मैडम ने तो उन्होंने कहा कि इनका जो है पानी की कमी है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है ऑपरेशन कर दीजिए, तो ऑपरेशन उन्होंने किया, बस 5-7 मिनट ऑपरेशन करके बाहर कर दिया। उसके उसमें जो है इन्होंने स्किन ब्लीडर जो है बंद नहीं किया और जब उनको पेन हुआ ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो यही बुरा नर्सों को बुरा या कहें डॉक्टर को बुरा एक बार देख रही तो डॉक्टर नहीं आई, नर्सों से कहती इंजेक्शन लगा, हर 6 घंटे में इंजेक्शन लग रहा था। जब सुबह हुई दूसरे दिन 11 तारीख को सुबह ही आनंद फानंद करी कि ब्लड कम हो गया है इनको तुरंत ब्लड दीजिए, तो हम गए अपना ब्लड निकलवाया ब्लड बैंक में, इनको ब्लड दिए, ओ पॉजिटिव था इनका तो ए पॉजिटिव मरा था, इनको ब्लड दिया गया। जब ब्लड चढ़ा उसके बाद भी इनको इनकी सुधार धीरे नहीं हो रही थी तो वही बता ठंडी गर्मी लगे तो फिर यही हुआ तो फिर दूसरे दिन ब्लड चढ़ा तो उसके बाद बुलाए लेकिन ये आए ना और इसी तरह चढ़ता रहा कस कि हाँ अब आएगी डॉक्टर साहब आएगी। चौथे दिन जब सांस वांस अंदर मतलब ऑक्सीजन दिक्कत होने लगी तो इधर ऑक्सीजन लगाई और उधर ये डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा कि इसका तुरंत मतलब रेफर करना पड़ेगा। और ऐसा जब हमने उस दिन जब कौन डॉक्टर साहब डॉक्टर रेणु चौधरी जब रेफर किया तो हमने देखा कि उनका ऑपरेशन पड़े 11.6 यूनिट ब्लड था और ऑपरेशन बाद उस दिन 5.7 यूनिट बचा तो हमने कहा ये कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि अब रिफ़र करना पड़ेगा। वहीं देखा जब वहाँ ले गए यहाँ क्वीन मैरी के रिफ़र किया, जब क्वीन मैरी गए तो वहाँ से उन्होंने सीधा यही कहा कि आपके जो है पेशेंट का जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया बहुत लापरवाही जल्दबाजी और गलत तरीके से एकदम अमानवीय ऑपरेशन किया जिसके कारण उन्होंने वो स्किन ब्लीडर बंद नहीं किया और ठीक से ऑपरेट भी नहीं किया, ठीक उनको कुछ किया नहीं जिसके कारण आपका जो है रक्त का थक्का बन गया। कहें नॉर्मल आदमी भी इतना समझ 11.6-11.7 हो गया है, नॉर्मल आदमी भी समझ जाएगा कुछ गड़बड़ी हुई है। ये आपको कहाँ पे बताया? ये हमको क्यून मैरी में बताया। क्यून मैरी में किसने बताया? क्यून मैरी में वहाँ डॉक्टर थी को रेखा सचान के अंदर में हुआ था कोई सही सचदेव डॉक्टर, हमको ज्यादा नाम वहाँ नहीं पता है। तो उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि मतलब बहुत लापरवाही और गैर जिम्मेदारी तरीके से ऑपरेशन किया गया और तो जिससे खून का थक्का बन गया। कहें ये अगर दूसरे तीसरे दिन बता देती तो सही हो सकता है कि जान बूझ कर इन्होंने टाल रहा इसको, चौथे दिन बताए तो उसके बाद वहाँ से ऑपरेशन करके 1.5 लीटर खून निकाला गया और उसको जो है फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रामा सेंटर में CCU वार्ड में रेफर किए कर दिया। अच्छा। और वहाँ पे इलाज अब चलते फिर बता रहा है उसी वजह से वेंटिलेटर लगाया गया, फेफड़े में संक्रमण बढ़ गया, CRC बढ़ गया 44,000 44,200 हो गया
और उसका इसी मतलब थक्के की वजह से उनकी लापरवाही की वजह ये हो गया। उसी 22 तारीख को 15 को वहाँ भर्ती, 22 तारीख उनकी डेथ, तो 22 तारीख को वो खत्म हो गई। हाँ, 22 तारीख को डेथ हुई। कहाँ पे डेथ हुई है? लखनऊ के ट्रामा सेंटर में। तो अब आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि जो मतलब गलती रेणु चौधरी ने किया, शासन प्रशासन योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, इनको इसकी सजा दी जाए जिससे आगे का पेशेंट सुधार हो सके। ये किसी के साथ ऐसी घटना ना करें। और ऐसा जानकारी मिली है, हम जो है कई लोगों को पेश भी कर सकते हैं जिनके साथ इन्होंने ऐसे गलत किए हैं, जरूरत पड़ने पर कई लोगों के साथ किए। हमारी 11 साल बच्ची, उसको न्याय दिया जाए, हमको न्याय दिए 11 साल 11 दिन की, सॉरी